नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहा और आज ऐसी कौन सी कंपनियां, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, दो दिन की तेज़ी के बाद में कल का मार्केट अच्छा शुरुआत के बावजूद जो है ऊपर के लेवल पर जो है वो फिसल गया और निफ्टी अपने डे हाई से 195 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। अगर क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी 398 पॉइंट नीचे जा करके 81,523 के आसपास बंद हुआ, जबकि निफ्टी में गिरावट 123 पॉइंट की रही है और ये 24,918 के लेवल पे क्लोज हुआ है। ब्रॉडर मार्केट भी इन लाइन ही क्लोज हुए हैं, जहाँ पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.2% नीचे बंद हुआ, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट 0.8% की रही है। तो हमने अक्रॉस द बोर्ड जो है कल के सेशन में सेल ऑफ देखा, खासकर सेकेंड हाफ में, और क्योंकि US के जो फ्यूचर मार्केट थे वो भी डिक्लाइनिंग में ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि कल जो है US का CPI डेटा आने वाला था, तो इस वजह से भी एक नेगेटिविटी मार्केट में देखी गई और थोड़ा सा मार्केट नर्वसनेस की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और फाइनली जो है हमारा मार्केट नेगेटिव में जाकर के बंद हुआ है। अगर बात करें टॉप गेनर्स की, तो यहाँ पर जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो हैं बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, सन फार्मा, HCL टेक और ICICI बैंक, जबकि गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं वो है टाटा मोटर्स, ONGC, विप्रो, L&T, अदानी इंटरप्राइजेस, कोल इंडिया और M&M। बात करें अगर सेक्टर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ देखने को मिला है। खाली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कुछ हद तक FMCG इंडेक्स वगैरह मैं छोड़ दूँ तो सारे इंडाइसेस जो है निगेटिव बंद हुए हैं। सबसे बड़ी गिरावट हमने कमोडिटीज़ में देखी है, ऑयल एंड गैस जो है 2.25% नीचे बंद था, मेटल इंडेक्स में गिरावट लगभग 1.4% की रही, रियल्टी इंडेक्स लगभग 0.25% नीचे बंद हुआ है, ऑटो, टेलीकॉम, बैंकिंग इंडेक्स, IT, इन सारे इंडाइसेस में गिरावट देखने को मिली 0.5% से 0.25% के बीच में। बात करें अगर मार्केट ब्रेथ की, तो मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी ख़राब ही रहा। 1,509 कंपनियां एडवांसेस कैटेगरी में और 2,469 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। दोस्तों, एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो इन द फेवर ऑफ डिक्लाइनिंग करीब 1:2 का रेशियो था कल के सेशन में। अगर बात करें 52 वीक हाई लोज की, तो यहाँ पे 147 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का नया हाई बनाया, जैसे अजंता फार्मा, बजाज ऑटो, ईपैक ड्यूरेबल्स, गुलशन पॉली, HUL, कल्याण ज्वेलर्स और PI इंडस्ट्री, जो कि 26 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। बात करें अगर फंड फ्लोज की, तो यहाँ पे FIIs, DIIs जिन्होंने बाइंग की है, जहाँ पे FII ने 1,755 करोड़ रुपये की बाइंग की है, DII ने 231 करोड़ रुपये की बाइंग की है। दोस्तों, अगर बात करें ग्लोबल क्यूज़ की, तो कल के दिन US के मार्केट में एक स्ट्रांग तेज़ी के साथ में हमने मार्केट को बंद होते हुए देखा। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही और एक समय शुरुआती एक घंटे में जो US का इंडेक्स था लगभग 1.5% डाउन था, लेकिन उसके बाद में एक तेज़ रिकवरी हमने मार्केट में देखी और फाइनली अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग की, तो यहाँ पर डॉ जोन्स करीब 1/3% ऊपर बंद हुआ, जबकि S&P 500 और नैसडे में बढ़त 1.1% और 2.2% क्रमशः देखी गई। तो दोस्तों, मार्केट US का जो है जो डेटा आया CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन डेटा जो अगस्त महीने का था, वो 2.5% रिकॉर्ड हुआ है, जो कि अनुमान था 2.6% का। तो इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो डाउन ट्रेंड में है और इसको मार्केट ने वेलकम किया। हालांकि कोर इन्फ्लेशन जो है US का वो थोड़ा सा मंथ ऑन मंथ जो है मार्केट के अनुमान से ज़्यादा जो है रिकॉर्ड किया गया है, और कल के सेशन में S&P और नैसडेक में सबसे बड़ा जो बढ़त देखी गई उसके पीछे मेगा कैप कंपनी NVIDIA के शेयर्स थे, जहां पे बढ़त करीब 8% की देखी गई कल के सेशन में। यहां पे जो CEO हैं NVIDIA के, उन्होंने कहा है कि चिप का जो डिमांड आउटलुक है काफ़ी फेवरेबल है, तो इस वजह से जो है कंपनी के शेयर प्राइसेस काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला और फाइनली इसका प्रभाव जो है बाकी इंडस्ट्रीज में पड़े और इसलिए हमने देखा कि US के मार्केट एक स्ट्रांग क्लोजिंग के साथ में बंद हुए हैं। एशियन मार्केट लार्जली इन ग्रीन है, तो उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव शुरुआत हम देखेंगे। दोस्तों, आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां जो फोकस रहने वाली हैं। तो पहले बात करते हैं HPCL की, तो यहां पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने विशाखापट्टनम रायपुर जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसके कंस्ट्रक्शन को जो है मंजूरी दे दी है और 2,212 करोड़ रुपये का जो है प्रोजेक्ट होने वाला है और ये जो है लॉन्ग टर्म में जो है कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव रहने वाला है। NBCC ने MTNL के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है 1600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के लिए और यहाँ कंपनी नई दिल्ली में लगभग 14 एकड़ का जो लैंड पार्सल है उसको डेवलप करेगी, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है।
श्रीराम फाइनेंस ने कहा है कि उन्होंने सिक्योर्ड सीनियर रेटेड लिस्टेड रिन्यूएबल रेडीमेबल डिबेंचर्स जो हैं उसके इशूवेंस को मंजूरी दे दी है। और यहाँ पे कंपनी करीब जो इशू साइज है लगभग वो 1,000 करोड़ रुपए का होने वाला। अगर ग्रीन शू ऑप्शन होगा तो एडिशनल जो है 500 करोड़ रुपए का हो सकता है। तो ये कंपनी के लिए इंडो डेवलपमेंट, क्योंकि कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है तो ऑब्वियसली उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है, तो ये डेवलपमेंट न्यूट्रल डेवलपमेंट है श्रीराम फाइनेंस के लिए। अदानी पोर्ट्स एंड एसिडेट ने कहा है कि कंपनी ने एक कंसेशन अग्रीमेंट साइन किया हुआ है डीपीए के साथ में, और यहाँ पे जो दीनदयाल पोर्ट है कांडला में यहाँ पे बर्थ नंबर 13 को जो है वो डेवलप करने वाले हैं। तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो 2027 तक कमीशन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो है कंपनी के लिए पॉजिटिव है। BPCL यहाँ फोकस में हुआ, कंपनी का जो आम इंडियन ऑयल है उन्होंने एक प्रोडक्शन कंसेशन उनको मिला हुआ अबू धाबी में, और यहाँ पे कंपनी 6,162 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। रूट मोबाइल में दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर जो है करीब 6% का स्टेक बेचेंगे OFS के जरिए 1,635 रुपये पर शेयर पे। तो ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि नेगेटिव हो सकता है कंपनी के लिए। लेमन ट्री ने 117 रूम का एक होटल साइन किया हुआ पुणे में, तो ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। मेडी प्लस हेल्थ यहाँ फोकस में हुआ, कंपनी के 2 और स्टोर्स जो है कर्नाटका में जो है वो बंद होंगे, उनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो गया है, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव है कंपनी के लिए। मफतलाल इंडस्ट्रीज दोस्तों यहाँ फोकस में, कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक सब्सिडी का गठन किया हुआ है, और ये कंपनी जो है IT में जो है वो काम करेगी, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। गणेश इकोस्पीड दोस्तों यहाँ फोकस में हुआ, कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने जो उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है उसने एक एडिशनल सब्सिडरी का जो गठन किया हुआ है नए बिजनेसेस के लिए, तो ये ओवरऑल जो है कंपनी के लिए पॉजिटिव है। रामकृष्ण फौजिंग ने कहा है कि जो उनकी एक सब्सिडरी है मैक्सिको में वहाँ पर कंपनी ने जो है उसको $6.5 मिलियन का एक बैंक गारंटी जो है उसको ऑफर किया हुआ है, इनफैक्ट कॉर्पोरेट गारंटी ऑफर किया हुआ है, और ये रेंटेड स्पेस जो लीज पे लेंगे वहाँ मैक्सिको में ये उसके लिए है, तो ये कंपनी के लिए न्यूट्रल डेवलपमेंट है। इन्फोसिस ने कहा है कि कंपनी ने जो है क्लियर स्ट्रीम पार्ट डॉल्शी बोस के साथ में जो है एक कोलैबोरेशन साइन किया हुआ है डिजिटल इश्यूएंस प्लेटफॉर्म के लिए, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव रहने वाला है। कैस्ट्रो इंडिया ने कहा है कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट बास्केट जो है वो बढ़ा दिया है ऑटो केयर सेगमेंट के अंदर, तो ओवरऑल हम ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। पिछले कई क्वार्टर्स में हमने स्टॉक को काफ़ी अच्छा परफॉर्म होते हुए देखा हुआ है, कंपनी के अर्निंग में भी रिकवरी हुई है और कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, तो ये कंपनी के लिए जो है वो पॉजिटिव है। ब्रिगेड इंटरप्राइज ने कहा कि कंपनी ने जो है एक प्रीमियम फ्लेक्सिबल मैनेज वर्क प्लेस बजवर्क हैदराबाद में जो है वो लॉन्च किया हुआ है, और ये लॉन्चिंग जो है कंपनी के विजन के अलाइन के आसपास ही है। जब कंपनी ये कह रही है कि 2026 तक 1 मिलियन स्क्वायर फीट का जो है एक को वर्क प्लेस जो है वो कंपनी वर्क प्लेस सॉल्यूशन जो है कंपनी मैनेज करेगी, तो ये कंपनी के लिए जो है वो पॉजिटिव है। लुपिन ने कहा कि कंपनी ने एक सनशोर सोलार पार्क में 42% का स्टेक अक्वायर किया हुआ है 10.5 करोड़ रुपए में, तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। गुजरात फ्लोरोकेम यहाँ फोकस में हुआ, कंपनी ने कहा कि जो उनकी होली ओन सब्सिडरी है जर्मनी में उसने एक और एडिशनल सब्सिडरी का जो है गठन किया हुआ है, तो ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। अगर बात करें दोस्तों प्राइमरी मार्केट्स की, तो यहाँ पे आज श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी की आज लिस्टिंग होने वाली है, और ये इश्यू करीब 125 मिनट में सब्सक्राइब हुआ था, तो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अगर बात करें IPO ऑफरिंग्स की, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO तीसरे दिन लगभग 64 गुना जो है वो सब्सक्राइब हुआ है, और टोलिंग टायर्स की बात करें तो ये भी IPO तीसरे दिन लगभग 24 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और क्रॉस लिमिटेड एक और कंपनी है जिसका IPO चल रहा था और कल थर्ड डे जो है 17 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ है। PN गाडगिल ज्वेलर्स का IPO भी जारी है और कल दूसरे दिन ये इशू लगभग 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, तो IPOs में हम स्ट्रांग मोमेंटम देख रहे हैं, अच्छी खासी जो है सब्सक्रिप्शन नंबर देखने को मिल रहा है।
बात करेंगे बर्गडील की, तो यहाँ पे अरविंद फैशन में जो है प्लेंटी प्राइवेट इक्विटी फंड ने करीब 37,55,000 शेयर जो है बेचे हैं 575 रुपये पर शेयर पे, और जो बायर हैं वो गोल्डमन सैक और कुछ और एंटिटीज़ जैसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने भी खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड हुआ है। जश इंजनी में बेलवेदर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे 63,000 शेयर जो है खरीदे हैं 2,012 रुपये 27 पैसे पर शेयर पे, और सैली इंजीनियरिंग मतलब सवाल म्यूचुअल फंड ने करीब 3,14,000 शेयर्स 950 रुपये पर शेयर पे खरीदे हुए हैं। अगर बात करें इन सारे ट्रेड्स की, तो यहाँ पे NRP बेयरिंग में प्रमोटर ने 61,532 शेयर्स ओपन मार्केट में खरीदे हैं 10 और 11 सितंबर के बीच में। और अगर बात करें प्लेस शेयर्स की, तो यहाँ पर लॉर्ड मेटल एनर्जी में प्रमोटर्स ने नए शेयर्स का प्लेजिंग किया हुआ है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी के लिए। अपोलो माइक्रो सिस्टम में यहाँ प्रमोटर ने करीब 30 लाख का नए शेयर्स का जो है प्लेज क्रिएट किया हुआ है। सिगाची इंडस्ट्री में भी हम देख रहे हैं कि प्रमोटर ने करीब 25 लाख शेयर्स के नए प्लेज क्रिएट हुए हैं। तो ये थोड़े से जो है नेगेटिव हैं इन कंपनीज़ के लिए। कॉर्पोरेट एक्सचेंज में आज बंगाल असम कंपनी, भारत रसायन, VST इंडस्ट्रीज, स्कीपर्स, SJVN, निर्लॉन, गुलशन पॉली, गरवारे टेक्निकल फाइबर, एक्सेल इंडस्ट्रीज, इन कंपनियों के डिविडेंड के लिए एक्स डेट हैं। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the related documents carefully before investing.